चंद्रनगुट्टा पुलिस हदूद के नूरी नगर की रहने वाली एक खातून की जानिब से अपने शोहर पर 3 तलाक देने, बच्चों को फरोख्त कर देने के इल्जामात बेबुनियाद होने और जायदाद के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके नूरी नगर की साकिन इशरत परवीन नामी खातून 4 साल पहले यानी साल 2019 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। उन्होंने अपने शोहर फजलुर रहमानी पर घर समेत बीवी बच्चों को फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता उस वक्त के सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया के जरिए एक बयान जारी करते हुए वाज़ह किया था कि खातून के लगाए गए इल्ज़ामात बाद अज़ तहक़ीक़ात बेबुनियाद और झूठे साबित हुए हैं। 4 साल बाद फिर एक बार खातून मंजर-ए-आम पर आई है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2019 में कही गई बातों को दोहराया है और इस बार फजलुर रहमान पर उन्हें फ़ोन पर 3 तलाक देने का दावा किया है। दावे की जांच किए बगैर ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर को दिखाया गया है। ताहम फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी अहलिया से फ़ोन पर बात नहीं की है और 4 सालों से सुलह की कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने इशरत परवीन को तलाक एहसन दिया है। फजलुर रहमान ने खातून की जानिब से उन्हें जदकोप करने, परेशान करने की कोशिशें करने का इंकशाफ करते हुए कहा है कि खातून पुलिस और मीडिया दोनों को गुमराह कर रही है। फजलुर रहमान ने हैदराबाद पुलिस से तमाम केसेस बिहार मुंतकिल करते हुए तफ्तीश करने की दरख्वास्त की है। इशरत परवीन के शोहर के मुताबिक उनकी अहलिया जायदाद के हसूल के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं और घर बच्चियों के नाम पर करने के लिए दबाव डाल रही हैं। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से मामले की जामे तहकीकात करने, मीडिया और पुलिस को गुमराह करने और अदालतों का वक्त ज़ाया करने वाली खातून के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। फजल रामा रहमानी है और मेरा असलन ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में मुंगेर शहर है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। वहीं एक बड़ा इदारा है जामिया रहमानी खानका मुंगेर, हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, जहाँ के ज़िम्मेदार हैं वहीं मेरे अबू उस्ताद हदीस हैं और मैं पेशावराना तौर पर यानी रोज़ी रोटी के गरज से हैदराबाद में मेरा रहना होता है। असलन मैं बिहार का ही हूँ और यहीं नूरी नगर में, बंडलागुड़ा नूरी नगर में मेरा मकान था जो मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था। बाद में मेरी माँ को उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया और वो मकान मेरी माँ के नाम से था। मेरी माँ ने हमारे मकान को दरअसल फरोख्त कर दिया और हमारी अहलिया जो हैं वो अपनी बहनों और माँ वगैरह के साथ वो वहीं नूरी नगर में रहती हैं। दरअसल 3-4 रोज़ से एक ख़बर गश्त कर रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए इस खबर को फैलाया जा रहा है और अहलिया हमारी मीडिया के ऊपर आके ये फैला रही हैं कि मैं बीवी को छोड़ के भाग गया हूँ और मैंने बीवी के ऊपर इतना जुल्म व सितम किया, बच्ची होने की वजह से नाराज़ होकर मैं घर से भाग गया हूँ। तो बुनियादी तौर पर मैं मीडिया के सामने आप लोगों को गुजारिश किया और आप लोगों के सामने आया, मैं आप लोगों को जहमत में इसलिए दिया कि भाई मैं भागा नहीं हूँ बल्कि इसी शहर में मैं हूँ और मैं बल्कि भगाया गया हूँ। दरअसल घर में मैं था और मेरी माँ ने जब मकान फरोख्त कर दिया तो इसकी मुखालफत करते हुए मेरी बीवी ने खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने लगी वो, जिससे मेरे माँ बाप हम लोग सबको इस्तिंजा बखाना होने लगा कि ये लोग लूज मोशन करते करते मर जाए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद समझिए कि घर पर अम्मी जो है उनको अम्मी ने बेचा, घर मकान अम्मी का था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बेच करके, और उसके साथ उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने घर जो बेचा है उसमें मैं बीवी बच्चे को भी बेच दिया हूँ और वो भी 3 लाख रुपए में। तो आप सब बताइए कि मेरा मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और उसने मकान बेचने की मुखालफत में, चूँकि मेरी माँ ने मकान बेचा और मैं शुरू से इस पर साबित कदम रहा कि भाई आप मेरी बीवी हैं, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सहूलत से आप रखिए। मेरी माँ ने बेचा जिसकी वजह से मेरी माँ बाप के साथ भी तनाज़ हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बीवी के निकाह में हूँ। लेकिन उसने गलत खबर ये हर जगह शाये करवा दी और एक तरफा मीडिया ने इस खबर को शाये कर दिया कि भाई मैं उस मकान को बेच दिया हूँ मैं, जबकि वो मकान मेरी माँ का है तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं समझिए कि बस कुछ दोस्तों के मशवरे से कि आप मीडिया के सामने आके खुद अपनी बात बताइए, सच्चाई बताइए, आपके साथ भी इंसाफ होगा। ऐसा नहीं है पुलिस कमिश्नर को पूरी बात, बेटी को मेरे उसने जो है कत्ल करने की धमकी दी थी ये भी मैं देखिए कि मैं दे चुका हूँ। ये देखिए मैं ये जो मकान जो फरोख्त किया है मेरी माँ ने,
आप इसका भी ले सकते हैं कि भाई इसमें कहीं पर से कोई तस्करा है इस तरह का कि मकान के साथ हमने अपनी बीवी को, तो मकान मेरा है ही नहीं तो मैं बेटी को और किसको बेचूंगा, ये ज़मीन के पूरे कागजात हैं, आप इसको लौटा वारिस हूँ मैं, और मेरी बीवी का शुरू से जहन ये बन गया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। अब आप हजरात खुद इस बात का फैसला करेंगे कि मेरे बाप की उम्र 80 साल है, वो एक आलिम दीन है, मेरी माँ की उम्र जो है 70 के करीब है, अब इस उम्र में मैं अपने माँ बाप को अगर छोड़ूंगा तो कौन उनका सहारा होगा। मैं बीवी को शुरू से, और ये भी चूंकि अबू के शागिर्द हैं इन्हीं की वजह से शादी हुई, ये जानते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के दौर में शहर हैदराबाद का एक वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स फ्रॉम टॉप क्वालिटी ट्रस्टेड ब्रांड्स लाइक डेल, एचपी, लेनोवो एक्सेट्रा, विद लेटेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स लाइक कोर i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस, और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमराज भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कम्प्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आस पास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 इयर्स से 3 लाख+ कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। सेल नंबर 9849715954।